गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ एक्चुअली स्टूडेंट्स ने कुछ मुझे मैसेज किया था कि सर हमें कंट्रोल सिस्टम में फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कंट्रोल सिस्टम में मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिक्वेस्ट कि सर फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन बता दीजिए, तो आई एम डीलिंग विद फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, तो मैं वो एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ। बेस्ट व्हेन आई कंटिन्यू विद दिस कंट्रोल सिस्टम, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको इनिशियल बेसिक बताऊंगा व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, और बेसिकली ओपन एंड क्लोज कंट्रोल सिस्टम होते क्या है, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन क्या होती है। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, बेसिकली होता क्या है, मतलब क्या होता है, मैं आपको बस अलतरा हाईलाइट कर लेता हूँ। कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है बेसिकली किसी चीज़ को कंट्रोल करना। एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज वी हैव अ फैन, हमारे घर पे सबके घर में फैन होता है। अगर मैं कहूँ हमारे पास एक सिस्टम है, वी हैव टेकन सब सिस्टम, मेरे पास ये सिस्टम है, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। अब मैं सिस्टम दे रहा हूँ, सपोज आई एम टेकिंग दिस सिस्टम एज फैन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे हमारे घर पे फैन लगा होता है, तो इनपुट क्या होता है, इनपुट वी आर बेसिकली हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, दैट मीन्स योर इनपुट यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पर अप्लाई कर रहे हो, डन। सिस्टम आपका फैन है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज योर मैकेनिकल एनर्जी जो हमें मिलती है बेसिकली, दैट मीन्स आउटपुट इज योर मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स हम कहते हैं जैसे हम फैन ऑपरेट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो फैन आपका बेसिकली आपको हवा देता है, हम लोगों को सबको हवा देता है। तो बेसिकली इसके भी कंडीशन होती है कंट्रोल सिस्टम में। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है, इसका क्या मतलब है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने कंट्रोल सिस्टम में जैसे हमने फैन लिया, तो फैन हमें जैसे ऑपरेट किया, कई बार हम कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा होती है तो फैन भी हमें मतलब प्रॉपर हवा नहीं दे पाता, वो कूलिंग किया या हम कूलिंग क्या कहें, हम कूलनेस या इतनी हवा नहीं दे रहा था, तो जिसके कारण हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम बेसिकली क्या है वो, तो इसी के आउटपुट जो होती है बेसिकली जो हमें ये मिलती है आउटपुट, ये टू फॉर्म्स की होती है, इसी को हम कहते हैं, एक होती है डिजायर्ड आउटपुट और एक होती है अनडिजायर्ड आउटपुट, डन। इफ वी आर गेटिंग आवर सिस्टम विद desired output, that means some control action is taking place, then our system is okay. If we are getting undesired output, then our system is not be up to the mark. तो control action का control system का मतलब क्या होता है, इसकी suppose कि जैसे मेरा fan है, तो जैसे fan को हम suppose को हमारे एक वो example हो, हमारे पास ये fan है, इसकी ये तीन blade है, ये आपको बताओगे जैसे तीन blade जैसे fan घूमता है, if कंट्रोल सिस्टम भी जैसे अगर माना हमने जैसे ये तीन प्लेट है, लेकिन हमने जैसे फैन ऑपरेट किया विदाउट रेगुलेटर ले लिया, बेसिकली सपोज करो हमारे पास विद रेगुलेटर घर पे होते हैं, कई बार आपने कॉलेजेस में देखा होगा हमारे पास जो नॉर्मल स्विच बोर्ड होते हैं उसमें बेसिकली रेगुलेटर नहीं होता है, तो हमने फैन ऑपरेट किया तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में तो घूम रहा है, लेकिन तब भी हमें वो हवा नहीं मिल रही है बेसिकली, तो वो क्या हो गया आपका बेसिकली इट इज शोइंग योर अनडिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। हम उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, वी कैन नॉट चेंज इट्स स्पीड, लेकिन सपोज करो ये हम घर पे बैठे हैं और अगर घर पे हमने वांट टू चेंज द स्पीड ऑफ द फैन, तो हमने फैन की स्पीड थ्रू रेगुलेटर में चेंज करी, तो एंड इफ वी आर गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट, हमें हवा प्रॉपर मिल रही है, तो दैट इज योर दैट मीन्स सम कंट्रोल एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन दैट सिस्टम, तो वो हो गया बेसिकली आपका कंट्रोल सिस्टम। ऐसे ही इसके बहुत एग्जाम्पल है, हम वॉशिंग मशीन कहते हैं या ब्रेड टोस्टर कहते हैं, तो इसके टाइप्स भी होते हैं ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं जो वीडियो लेक्चर जो नेक्स्ट में बेसिकली आगे जब कंट्रोल सिस्टम मैं शुरू करूँगा सब्जेक्ट इसकी, तब मैं आपको डील करूँगा। अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, आपको बताऊँ कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन या फ्रीक्वेंसी डोमेन फर्स्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, दो तरह के एनालिसिस होती है, एक होती टाइम डोमेन एनालिसिस, एक होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। लेट्स सी, सी स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह टाइम एनालिसिस होती है, एक होती है टाइम रिस्पॉन्स या टाइम डोमेन एनालिसिस, और एक होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। देन सपोज करो आई एम टेकिंग वन एक सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, वैसे काफी स्टूडेंट आई थिंक पता होगा क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, कैसे बनते हैं। सपोज करो इट इज योर गेन, इट इज योर समिंग एंड, ये हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं आर के, दिस इज योर आउटपुट, ये मैंने इनपुट दिया है, ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। कुछ भी कह दो आप इसको सी डी कह दो या कुछ भी लेक्चर रखें, एंड दिस इज योर फील्ड,
सिस्टम, ये जो मैंने डायग्राम बनाया वैसे इट इज अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का या क्लोज लूप सिस्टम का ही डायग्राम है जिसमें हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा ओपन लूप सिस्टम में हम फीडबैक प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने नेगेटिव फीडबैक दिया है, फर्स्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के फीडबैक होते हैं। हम नेगेटिव ही फीडबैक मोस्टली प्रेफर करते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारा नॉइस एंड वेरिएशन वेरिएशन है ना आउटपुट, बेसिकली जो नॉइस होते हैं नॉइस लेवल होता है वेरिएशन होता है, बेसिकली ये क्या होता है लेस होता है व्हेन वी आर यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। आपको ये पता होना चाहिए हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें कंटिन्यूअस वेवफॉर्म चाहिए होती है। जैसे आपने सीआरओ या ऑसिलेटर देखा होगा, कई बार हम उसमें जैसे अपना वेवफॉर्म या कई बार हम अपनी इनपुट देते हैं आउटपुट देखते हैं तो कंटिन्यूअस नेचर में आते हैं, साइनसोइडल या आपने कोई वेवफॉर्म देखी होगी ट्रैपेजॉइडल या सॉटूथ वेव देखी होगी। तो इफ यू वॉन्ट आर वेवफॉर्म इन कंटिन्यूअस फॉर्म दैट मीन्स देयर वी यूज पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर दिस सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम के लिए। बेसिकली क्या करते हैं जहाँ पर नॉइस लेवल एंड वेरिएशन बेसिकली लेस होते हैं। सपोज करिए इफ वी आर डीलिंग विद दिस टाइम डोमेन एनालिसिस, अगर मैं टाइम डोमेन की बात करूँ तो टाइम डोमेन एनालिसिस क्या होती है, इफ यू आर गिविंग इनपुट, आप इनपुट दे रहे हैं और आपका आउटपुट वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, दैट मीन्स आपके टाइम के रिस्पेक्ट में आउटपुट चेंज होगा, दैट मीन्स टाइम डोमेन एनालिसिस मीन्स दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, योर मैग्नीट्यूड वेरीज। अगर आपका टाइम के एस्पेक्ट में चेंज हो रहा है दैट मीन्स ओनली योर मैग्नीट्यूड वेरीज, दैट इज अ टाइम डोमेन एनालिसिस। अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की बात, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन का हम देखें सेम सिस्टम ले रहे हैं दो सिस्टम, अगर यही आउटपुट आपका फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर वेरी करे, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बेसिकली क्या आएगा, इसमें दोनों चीजें आती है, इट विल इंक्लूड योर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेस एंगल, मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल, इसमें दोनों वेरी होते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल। अगर आउटपुट आपका दोनों वेरी कर रहे हो जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और फेस एंगल दोनों वेरी कर रहे हो दैट मीन्स इट इज योर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम डोमेन में क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड वेरीज करते हैं, तो आपको बेसिक थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि होता है। अब ये भी डिपेंड करता है, ये हमारे तब आउटपुट तब वेरी करते हैं टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में जब आप स्टैंडर्ड सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड सिग्नल हमारे कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा इट इज योर इम्पल्स स्टेप रैम एंड योर पैराबोलिक, ऐसे हमारे बेसिकली क्या है कि हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए हमारे नेचुरल इनपुट एंड फोर्स इनपुट कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे ये तीन सिग्नल स्टेप सिग्नल रैम सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल, दीज थ्री सिग्नल्स आर योर फोर्स सिग्नल। फोर्स सिग्नल वो होते हैं जो हम जनरेट करते हैं जो हम बेसिकली बनाते हैं। नेचुरल सिग्नल नेचुरल इनपुट क्या होता है बेसिकली नेचुरल इनपुट जो अपने आप बेसिकली अराइज होते हैं। तो इस चारों सिग्नल में से इम्पल्स सिग्नल इज द योर द नेचुरल इनपुट। नेचुरल मीन्स इम्पल्स, आपको इम्पल्स का मतलब होता है इम्पल्स मीन्स जैसे हम कह सकते हैं एक सडन एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट बेसिकली आपका रिएक्शन क्या है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सपोज करो कि वी आर स्टैंडिंग इन अ क्लास और अचानक से ही कोई इंसिडेंट टेक प्लेस होता है या आपका कुछ जैसे अभी जैसे हमने सिस्टम लिया था एक फैन लिया था या अचानक से ही एक कोई एनिमल या कोई अराइज हो जाता है या इवन वी सॉ वी विल सी द स्नेक, अगर स्नेक आ जाता है सांप आपको दिख जाता है तो आपका रिएक्शन उस मूवमेंट में कैसे क्या होगा, दैट मीन एट टी इक्वल टू जीरो आपने पढ़ा होगा इंपल्स का जो हमारा ग्राफ आता है हमारा एट टी इक्वल टू जीरो पे हमारा वो शूट अप करता है। एट टी इक्वल टू जीरो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट इज द आउटपुट यू आर गेटिंग, तो दैट मीन इट इज योर नेचुरल इनपुट, वो नेचुरल इंस्टेंट है। लेकिन स्टेप रैम एंड पैराबोलिक सिग्नल आर दोस व्हिच वी विल जनरेट, हम जो जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम। तो आपको पता आई थिंक पता लग गया होगा टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन क्या होते हैं। फ्रिक्वेंसी डोमेन वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और फेस एंगल दोनों वेरी करते हैं, और अगर आउटपुट का वेरिएशन इन दोनों टर्म्स में अगर दोनों आपके मैग्नेट और फेस एंगल वेरी कर रहे हो दैट मीन्स योर सिस्टम इज वी आर डीलिंग विद फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, और टाइम डोमेन में हम मार्क करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड वेरीज। तो आगे चलते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। रिस्पॉन्स जैसे होता है तो मैं आपको बता दूँ हमारा रिस्पॉन्स जो होता है हमारा किसी भी सिग्नल के दो रिस्पॉन्स होते हैं, ये शायद आपको पता होगा। दिस इज द जस्ट मैं एक सिग्नल का आउटपुट रिस्पॉन्स बना रहा हूँ, दिस इज योर स्टेडी स्टेट
this portion. So this one, this is your transient response. This is your steady state response. Students, कोई भी signal हो, कोई भी signal हम अगर लेते हैं, basically उसकी जो output बनाते हैं, उसके दो response होते हैं, कोई भी एक signal के, जैसे transient response, steady state response. जैसे मैंने आपको example दिया fan का. Fan में क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप fan operate करते हो, वो धीरे-धीरे slowly move करता है. ऐसा तो है नहीं कि एकदम रोटेट कर देते हैं, एकदम मूव करते हैं. दैट मीन्स आपका जो ग्राफ आता है बेसिकली, उसका अगर हम देखें तो इस तरह आपका बेसिकली ग्राफ आता है. दिस इज योर ऑसिलेशंस. बेसिकली आपका फैन जो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, दैट मीन्स दैट स्लो मूवमेंट इज शोइंग यू द ऑसिलेशंस. आपने कुछ टाइम में देखा होगा विद इन विद इन अ मिनट और विद इन अ मिनट में फैन विल रोटेट इट्स स्टेडी स्टेट. इट इज रोटेटिंग इन स्टेडी स्टेट. दैट मींस वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू में रोटेट करने लगता है. जैसे आपने रेगुलेटर में 4 की स्पीड या 3 की स्पीड सेट कर रखी हो, तो दिस पोर्शन इज जिसके बाद वो कांस्टेंट रहती है उसकी स्पीड, तो उस पोर्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. और जहां पर हमें ऑसिलेशंस प्रोवाइड होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. दैट मींस दिस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टेल्स अस द oscillations present in the system. Basically ये क्या बताते हैं, tells us the oscillations present in the system. Steady state क्या बताते हैं व्यक्ति, tells us the accuracy. It tells us about the accuracy of the system. About the accuracy of the system. तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सिग्नल के आउटपुट जो रिस्पांस होता है सिग्नल का, तो हमारा दो तरह के रिस्पांस होते हैं, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस. इस तरह का हम एग्जांपल अगर कोट करें, जैसे मैं आपको फैन का एग्जांपल दिया, सॉरी इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं. सपोज करिए मेरी क्लास है, और मैं जैसे अभी क्लास है, अभी मेरी 9 बजे की क्लास है, और मैं अभी 9 बजे की क्लास में आके आई कम एट 9:10 AM. सपोज तो सुबह की क्लास है तो 9 बजे होनी थी हमारी, लेकिन मैं कब आया, मैं आया 9:10 पे, लेकिन 9:10 से आई विल कंटिन्यू टिल 10 AM. तो दैट मीन्स 9 to 9:10, तो दिस विल शो द ऑसिलेशन. दैट मीन्स दिस इज योर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. ये मेरा कौन सा रिस्पॉन्स होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. लेकिन फ्रॉम 9:10 to 10 AM ऑनवर्ड्स मेरा क्या कंटिन्यूस लेक्चर हुआ है, दैट मीन्स दिस इज माई स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉट डू मीन बाई ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड व्हाट डू मीन बाय स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. आपने पढ़ा होगा कई बार ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को, जैसे मैंने बताया यहाँ से हमें ऑसिलेशंस पता चलते हैं, इसी को हम कहते हैं इनिशियल स्टेट या इनिशियल वैल्यू थ्योरम. आपने पढ़ा होगा सर्किट सिस्टम में. और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फाइनल स्टेट या फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो आपने सर्किट सिस्टम सब्जेक्ट में बेसिकली नेटवर्क पढ़ा होगा. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चलते हैं. तो इसी स्टूडेंट सपोज करिए क्वेश्चन आए हैं. अच्छा एक चीज और होती है इन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन. बेसिकली फॉर एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स वी ऑलवेज पुट एस इक्वल टू जी ओमेगा. बेसिकली एस क्या होता है आपका, एस इज सिग्मा प्लस जी ओमेगा. जैसे आपने पढ़ा होगा रियल एंड प्लस इमेजिन पार्ट, तो दिस रियल पार्ट इज जीरो एंड वी ऑलवेज गिव एस इक्वल टू जी ओमेगा इन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, फॉर एप्लीकेशन पर्पस. और ओमेगा आपका जो होता है, ओमेगा वेरी करता है, इट वेरीज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. ये आपको ध्यान रखना है. So let's proceed with this your application. ऐसे हम आगे questions करेंगे basically. Suppose free question दे रखा है आपको, transfer function दे रखा है आपको, basically ये दे रखा है कि transfer function है जिसकी value है 10/(s+2). ये transfer function दिया हुआ है आपको. input given है, input क्या given है हमें, 2 cos 2t + 15 degree, done. And you have to find the steady state response, that means you have to find the output. ये आपको input given है, transfer function given है. तो first of all आपको पता होना चाहिए कि हमारा first step क्या है. जैसे मैंने बताया कि वी आर डीलिंग विद फ्रीक्वेंसी, हमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स से हमें फाइंड करना है, अब आउटपुट फाइंड करनी है, तो वी ऑलवेज पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा. तो आई एम टेकिंग दिस ट्रांसफर फंक्शन आपका के 10/(s+2), राइट. आई एम रिप्लेसिंग दिस एस बाय एस दिस जे ओमेगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे ओमेगा प्लस टू. अगर मुझे इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो आपको पता होगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये क्या आएगा, इट इज योर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4. वी कैन राइट. अब अगर यही देखें, अगर मुझे इसको
एंगल की फॉर्म में लिखना है। आपको पता होगा जैसे यहाँ पर के यहाँ पर कोई एंगल नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस टेन एंगल जीरो डिग्री विद दिस टेन इनवर्स, आपका क्या होता है बी बाय ए, तो बी बाय ए दैट मीन्स योर ओमेगा डिवाइड बाय टू, डन ओमेगा डिवाइड बाय टू, ये आपका आ गया बेसिकली एंगल आ गया इसका टेन इनवर्स, डन। तो अब देखो स्टूडेंट्स अब क्या करना है बेसिकली, अब ये आपके पास तो वैल्यू आ गई, अब हमारे पास ये अब हम क्या करेंगे जो हमें एक क्वेश्चन दिया है उससे हम वैल्यू कहेंगे, हमें इनपुट क्या देंगे 2 cos 2t + 15 ae। अगर इस इनपुट को मैं कंपेयर करूँ हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, डन। अब अगर मैं कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कराऊंगा तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर देखें तो ओमेगा की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, दैट मीन्स फ्रॉम दिस इनपुट वी कैन गेट वी हैव अ वैल्यू ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू 2, तो हमें कुछ नहीं करना वी आर सब्स्टिट्यूटिंग जस्ट वैल्यू 2 हेयर। तो यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इट इज योर 10, और हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज माइनस ऑफ 10 इनवर्स ओमेगा बाय 2, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जब हम एंगल को ऊपर लेके जाते हैं बेसिकली, तो ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस 2 इन योर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड में लूंगा मैं और विद दिस एंगल लूंगा तो आपका आंसर बेसिकली क्या आएगा, इसको रख सकते हैं दैट मीन्स इसी एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली, इसको हमने लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाय √ω² + 4 एंगल 0 डिग्री, और हम लिख सकते हैं सॉरी हम लिख सकते हैं इसको माइनस में ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 10 वर्स ओमेगा बाय 2। अब मैं ओमेगा की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो आई कैन राइट 10√8, यू कैन सी 2² एंड देयर इज 4, यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो ये आएगा -10 वर्स 1, ये हो जाएगा 1, डन। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री, तो डायरेक्टली वी कैन राइट आपका ये वैल्यू होगी 10√8 एंगल -45 डिग्री। सी फ्रेंड्स ये जो वैल्यू आई है ये अब आप मुझे पता होगा कि किसकी वैल्यू आई है, सी हम कह रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या है 10 / s + 2, तो मैंने अभी ये वैल्यू चेंज करी है। आपको पता है मैं आउटपुट निकालना, आउटपुट क्या होता है जस्ट ट्रांसफर फंक्शन इनटू दिस इनपुट, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं तो आपका जीएस जो आपका बेसिक ट्रांसफर फंक्शन नॉर्मल क्या होता है आपका आउटपुट बाय इनपुट होता है ऐसे लिखते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमें आउटपुट निकालना है, आउटपुट क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन दिस जीएस इनटू जो भी आपको फंक्शन दे रखा है इनटू दिस इनपुट, तो हम इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको कन्वर्ट करना था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करा, मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई क्यों करा क्योंकि यहाँ पर ये जो बेसिकली फॉर्म है मेरी फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर्म है, अब यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर मुझे इसको कन्वर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस फेस एंगल, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास इनपुट है ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल मुझे दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वी आर यूजिंग दिस मेथड, और अब देखिए बेसिकली अब हम क्या करेंगे रनिंग दिस पोर्शन, सी स्टूडेंट्स अब आपने जब मल्टीप्लाई करा तो मैं कह सकता हूँ आपका जो सिस्टम है अब आपका सिस्टम क्या बन गया, अब आपका जो सिस्टम था ट्रांसफर फंक्शन ये कितना आ गया हमारा 10√8, इट इज एंगल ऑफ -45 डिग्री। इनपुट आप क्या दे रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो इट इज 2 cos ये जो मैं क्वेश्चन में गिवन था 2t + 15 डिग्री। अब हमें आउटपुट चाहिए तो आउटपुट जस्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, आपको पता होगा अब जैसे ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड है तो आप जब सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आंसर आएगा 20√8 ब्रैकेट 2t, ठीक है ये 2t है, अब जैसे ये नॉर्मल वही फ्रीक्वेंसी सेम ही आपकी 2t प्लस अब यहाँ पर एंगल कितना रहेंगे 15 डिग्री, कितना -45 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा -30 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज द योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स दिस इज माई स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दिस इज अ प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर हमें ट्रांसफर फंक्शन या इनपुट हमें दे रखा हो या आउटपुट हमें फाइंड करनी हो, कई बार आउटपुट गिवन होता है ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है हमें इनपुट फाइंड करना होता है, तो आपको उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे कौन सा मतलब किस तरह मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में और बाकी बेसिकली हम वी आर डीलिंग विद दिस फेस एंगल फॉर्म, तो पहले आपको इस ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ
पोलर फॉर्म आपने देखा होगा, ये जो मेरी फॉर्म है बेसिकली इसको हम आर एंगल थीटा फॉर्म कहते हैं, ये हमारी पोलर फॉर्म होती है बेसिकली। आपने ये क्यों पढ़ा होगा, ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा होगा, पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है हमारे, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो दिस इज पोलर फॉर्म मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज द फेस एंगल। अब आप अगर हम देखें तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया था जो मैग्नीट्यूड जिस पे वेरी करते हैं और फेस एंगल वेरी करते हैं। अब अगर मैं देखूँ इसका मैग्नीट्यूड इनपुट का क्या था, 2 था, यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया, तो हमारा ये वेरी कर गया। हमारे इनपुट में हमारा फेस एंगल कितना था, 15 डिग्री, आउटपुट में कितना आ रहा है, -30 डिग्री, दैट मीन योर फेस एंगल ऑल्सो गेट वेरी, दैट मीन फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल दोनों वेरी करते हैं, और टाइम रिस्पॉन्स वो होता है जहाँ पर सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड वेरीज। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपको या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और उसी के आगे फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें आपका देखा होगा आपने बोर्ड पढ़ा होगा, बोर्ड प्लॉट, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट, रूट लोकस, तो यहाँ पे हम एक एक करके टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।